नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल तमेज वर्ल्ड में। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ट्रायंगल ऑफ फोर्सेस। इससे पहले हमने दो तीन लेक्चर में पढ़ा पैरेललोग्राम लॉ ऑफ फोर्सेस और उसके साथ रिजॉल्व्ड पार्ट ऑफ ए फोर्स इन टू गिवन डायरेक्शंस। अब ट्रायंगल ऑफ फोर्सेस क्या है? इफ थ्री फोर्सेस कैन बी रिप्रेजेंटेड इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, बाय थ्री साइड्स taken in order। Then these three forces will be in equilibrium। अगर तीन forces हमारे पास ऐसे हैं कि उनको किसी triangle की तीनों sides की form में represent किया जा सकता है taken in order, तो वो तीनों forces equilibrium में होंगे। Acting at a point, ये हम यहां पर लिखना भूल गए, एक्टिंग एट ए पॉइंट। जैसे सपोज कीजिए हमारे पास ये पॉइंट है O, यहां पर तीन फोर्स काम कर रहे हैं। पहला फोर्स है P, दूसरा फोर्स है Q और तीसरा फोर्स है R। ये एक पॉइंट पर काम कर रहे हैं। अगर ये तीनों फोर्स से हम एक ट्रायंगल बना सके, यानी ये वाला फोर्स, ये जो तीनों फोर्स है मिल करके एक ट्रायंगल बना सके, और ऑर्डर जो है फोर्सेस की डायरेक्शन का ऑर्डर है वो सेम रहना चाहिए, तो तीनों फोर्सेस इक्विलिब्रियम में होंगे। कैसे होंगे? मान लीजिए हम एक ट्रायंगल बना रहे हैं, ओपी ये साइड जो पी फोर्सेस है, मान लीजिए हमने ए बी से रिप्रेजेंट किया पी फोर्स को, दूसरा क्यू फोर्स है, यहां से हम ये ले यहां लेके आए क्यू फोर्स को बी सी, और आर जो फोर्स है वो सी ए से रिप्रेजेंट किया जा सकता है। तीनों फोर्सेस है एक पॉइंट पर काम कर रहे हैं। अगर ये तीनों फोर्सेस इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं तो तीनों फोर्सेस इक्विलिब्रियम में होंगे, ये हम प्रूव भी करेंगे। पी फोर्सेस हमारे पास ये क्यू फोर्सेस ये वाला उठा करके हमने यहां पर रखा और आर उठा करके हमने यहां पर रखा, डायरेक्शन है वो वही रहनी चाहिए और मैग्नीट्यूड है वो भी यही रहना चाहिए मैग्नीट्यूड इन तीनों का, तो तीनों फोर्सेस इक्विलिब्रियम में होंगे। प्रूव करते हैं। पहले हम पी, यानी यहां पर मीनिंग क्या है, जो पी फोर्सेस है वो ए बी से रिप्रेजेंट किया जा रहा है और जो क्यू फोर्स है वो बी सी से रिप्रेजेंट किया जा रहा है और आर जो फोर्स है वो सी ए द्वारा रिप्रेजेंट किया जा रहा है। पहले हम पी और क्यू का रिजल्टेंट फाइंड आउट करते हैं। तो बाय यूजिंग पैरेललोग्राम लॉ ऑफ फोर्सेस, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ फोर्सेस का हम यूज करते हैं पी और क्यू का रिजल्टेंट निकालने के लिए। तो पैरेललोग्राम लॉ ऑफ फोर्सेस में क्या होता है कि अगर ये दोनों फोर्सेस किसी पैरेललोग्राम की दो एडजेसेंट साइड बन सके तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा वो उस पैरेललोग्राम का डायगोनल होगा। तो हम यहां से ये कंप्लीट करते हैं पैरेललोग्राम, ये हमने पैरेललोग्राम कंप्लीट कर लिया, हमने पैरेललोग्राम कंप्लीट कर लिया। अब क्योंकि इस पॉइंट को हम मान लेते हैं डी पॉइंट है, अब क्योंकि बी सी और ए डी पैरेलल है, दोनों की लेंथ सेम है, तो क्यू को हम यहां पर भी लिख सकते हैं। क्यू आल्सो कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय ए डी, ए डी से भी क्यू को रिप्रेजेंट किया जा सकता है। तो अब पी और क्यू का रिजल्टेंट बनेगा ए सी, यानी ए बी प्लस ए डी इज इक्वल टू ए सी।
पैरेललोग्राम लॉ ऑफ फोर्सेस, यानी पी रिजल्टेंट ऑफ पी एंड क्यू, रिजल्टेंट ऑफ पी एंड क्यू कैन बी रिप्रेजेंटेड बाई एसी, एसी से रिप्रेजेंट किया जा सकता है बाय यूजिंग पैरेललोग्राम लॉ ऑफ फोर्सेस। हमें तीनों का रिजल्टेंट निकालना है। नाउ रिजल्टेंट ऑफ पी क्यू एंड आर, दैट इज ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, ये हमें फाइंड आउट करना है। बी सी जो है वो ए डी के इक्वल है, तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं ए बी प्लस ए डी प्लस सी ए। अब ए बी और ए डी का जो रिजल्टेंट है वो ए सी है, ए सी प्लस सी ए, तो ये अपने पास है जीरो। यानी तीनों का जो रिजल्टेंट बन रहा है वो जीरो वेक्टर है। इसका मतलब तीनों जो फोर्सेस है दे आर इन इक्विलिब्रियम, वो तीनों इक्विलिब्रियम में है। अब इसको हम जो ट्रायंगल ऑफ फोर्सेस है इसको एक दूसरे तरीके से भी हम इसकी डेफिनेशन कह सकते हैं। क्या है कि अगर दो फोर्स हमारे पास ऐसे हैं कि उनको ट्रायंगल की दो साइड्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जा सकता है, जैसे मान लो यही दो फोर्सेस थे हमारे पास P और Q, P को हमने यहां इस साइड से रिप्रेजेंट किया, Q को हमने इस साइड से रिप्रेजेंट किया, और ऑर्डर हमने सेम रखा। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर दो फोर्सेस हमारे पास ऐसे हैं कि उनको ट्रायंगल की दो साइड्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जा सकता है, टेकन इन ऑर्डर, ऑर्डर हमको सेम रहना चाहिए, तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट है P और Q का वो तीसरी साइड बनेगी, तीसरी साइड इसका रिजल्टेंट बनेगी, बट इन रिवर्स ऑर्डर। किस ऑर्डर में? रिवर्स ऑर्डर, यानी ए बी प्लस बी सी इज इक्वल टू ए सी। तो ये ट्रायंगल ऑफ फोर्सेस की दूसरी डेफिनेशन हम कह सकते हैं, क्योंकि जैसे ए बी बी सी सी ए का रिजल्टेंट जीरो है, यानी ए बी और बी सी का जो रिजल्टेंट आ रहा है वो इसको क्या कर रहा है, कैंसिल कर रहा है सी ए को, सी और ए को ए सी भी कैंसिल करता है, यानी इन दोनों का रिजल्टेंट क्या है, ए सी। अभी हम एक एग्जांपल करेंगे बेस्ड ऑन ट्रायंगल ऑफ फोर्सेस, ट्रायंगल ऑफ फोर्सेस पर वो डिपेंड करता है। क्या इफ डी एंड ई आर द मिडिल पॉइंट्स ऑफ द साइड्स ए बी एंड ए सी ऑफ ए ट्रायंगल ए बी सी, प्रूव दैट द रिजल्टेंट ऑफ बी ई एंड डी सी इज रिप्रेजेंटेड इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बाय 3/2 बी सी। ये डी जो पॉइंट है वो ए बी का और ई पॉइंट है वो ए सी का मिड पॉइंट है, यानी ट्रायंगल हमारे पास सपोज करो ये ए बी सी, ये इसका मिड पॉइंट डी है और इसका मिड पॉइंट है ई। हमें क्या प्रूव करना है कि बी ई और डी सी का जो मैग्नीट्यूड है वो 3/2 बी सी है, बी ई और डी सी इन दोनों, यानी हमें प्रूव करना है कि बी ई प्लस डी सी इज इक्वल टू 3/2 बी सी, ये हमें प्रूव करना है। ये डायरेक्शन, जहां पर डायरेक्शन का जिक्र हो रहा है तो इसका मतलब बी डायरेक्शन बाय 3/2 बी सी, इसका मतलब ये है कि जो रिजल्टेंट आएगा, रिजल्टेंट जो फोर्स ऑफ उसका
जो डायरेक्शन है वो बी से सी की तरफ होनी चाहिए, और इसका मतलब भी बी से सी की तरफ है। तो पहले हम इस ट्रायंगल में ट्रायंगल ऑफ फोर्सेस यूज करते हैं, बी सी ई, इन ट्रायंगल बी सी ई। तो बाय यूजिंग ट्रायंगल ऑफ फोर्सेस बी ई जो है वो किसके इक्वल होगा, दिस इज इक्वल टू बी सी प्लस सी ई। बी से सी की तरफ ये और सी से ई की तरफ, इन दोनों का रिजल्ट है बी से ई की तरफ। ये ट्रायंगल की तीसरी साइड है, लेकिन ऑर्डर जो है वो चेंज होगा, इसकी डायरेक्शन बी से सी की तरफ, इसकी डायरेक्शन सी से ई की तरफ, दोनों का रिजल्ट है बी से ई की तरफ। अगर ये हो जाएगा ई से बी की तरफ तो तीनों जो होंगे वो इक्विलिब्रियम में होंगे। तो ट्रायंगल ऑफ फोर्सेस का यूज करके हमने ये लिखा। नेक्स्ट, इन ट्रायंगल बी सी डी, उसमें जो डी सी, दिस विल बी इक्वल टू, ये होगा डी सी निकालेंगे यानी ये डी बी और बी सी का रिजल्टेंट है, तो डी बी प्लस बी सी। यहां पर बी सी तो हमारे पास है ही, बी सी प्लस सी ई। अब ये ई मिड पॉइंट है, यानी बी जो सी से ई ई तक है ये टोटल का हाफ है सी से ए, यानी सी ई कैन बी रिटन बाय हाफ सी ई। अगर डायरेक्शन हम सेम रखते हैं तो ऐसा लिखा जा सकता है इसको 1/2 सी ए, डायरेक्शन सी से ई की तरफ, सी से ए की तरफ, यानी डायरेक्शन सेम है, मैग्नीट्यूड हाफ है। यहां पर डी बी, डी डी मिड पॉइंट है तो डी बी कैन बी रिटन एज हाफ ऑफ ए बी, हाफ ऑफ ए बी प्लस बी सी। तो दोनों का रिजल्टेंट निकालते हैं, बी ई प्लस डी सी इज इक्वल टू बी सी प्लस हाफ ऑफ सी ए प्लस हाफ ऑफ ए बी प्लस बी सी। तो बी सी प्लस बी सी, टू बी सी प्लस हाफ कॉमन ले लेते हैं तो सी ए प्लस ए बी, दिस इज इक्वल टू टू बी सी प्लस सी ए प्लस ए बी, इन दोनों का रिजल्टेंट सी बी बनेगा, तो हाफ ऑफ सी बी। तो टू बी सी, डायरेक्शन चेंज करेंगे तो नेगेटिव आएगा, हाफ ऑफ बी सी, दिस इज इक्वल टू 3/2 बी सी। ये हमें इसमें प्रूव करना था।